हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक मैथ्स की ट्रिक। तो इस वीडियो में सीखेंगे दो अंकों के गुणा को सिंपल ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। गुणा करना तो आपको आता ही है, बट उसकी सिंपल ट्रिक क्या है जिससे आप कुछ ही सेकंड में उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं फिर, जैसे एग्जाम्पल आपका लेते हैं 12 गुणे में 12। तो क्या करना है आपको, ट्रिक है सिंपल सी। यहाँ पर आपको बनाना है चार स्टार, कुछ भी बना लो, चार स्टार बना लो चाहे कुछ बना लो, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, देखो ध्यान से। तो आपकी ट्रिक क्या है, आपको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर देन इसको इससे करना है, देन इसको इससे करना है, फिर इसको ऐड कर देना है। इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, और देन इसको ऐड कर देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और आपका आंसर फाइनली फिर आ जाएगा। समझ आ गई बात। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर देन इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर दोनों इसको आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। बस वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो पहले इसको हमने आपस में कर दिया मल्टीप्लाई, दो तो नहीं चार, फिर इसको इससे कितना है दो आ गया, फिर इसको इससे कितना है दो आ गया, तो कितना हो गया प्लस करके चार, चार यहाँ पर हमने लिख दिया। और फिर वन को वन से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा है ना, इसको फिर लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा वन। तो कितना आ गया आपका 144। इस तरीके से करना है आपको। आप एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक 23 और 24 लेते हैं, अलग अलग थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, चार तिहाई 12, ठीक है। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्या कहता है फॉर्मूला हमारा, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, तो चार तिहाई 12 आ गया, 12 का दो हासिल एक, हासिल एक में लगाना है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 8 आ गया, तीन दो नहीं 6, ओके 8 6 14 14 का 14 फिर, ठीक है। और एक हासिल तो इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 15 हो गया, 15 का यहाँ पे 5 लाओगे और हासिल एक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, इसको लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, दो तो नहीं 4, और 4 और एक कितना होता है 5 होता है। इस तरीके से आपका आ चुका है 5 5 2। तो ये इजी ट्रिक है, इस तरीके से आपको दो अंकों के जो गुणा होते हैं बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब इसको आप अपने मेथड से सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है, क्या आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो करते हैं यहाँ पर, 4 3 12 2 1 4 2 8 1 9 गुणा में 3 2 6 2 3 4, 2 9 6 15 5 1 4 1 5, 2 सही आ गया बिल्कुल। तो करेक्टली हमने यही निकाला है। तो इस तरीके से आप दो अंकों के गुणा को इजीली सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितना भी बड़ा हो। ये थी आपकी ट्रिक, इसको आपको भूलना नहीं है। बाकी आप फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग ट्रिक आपके इस चैनल पर आती रहेगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।